बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। और इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों से हमेशा की तरह छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन बटन पर क्लिक करके अलर्टिफिकेशन पर कर दें ताकि तमाम तर तफसीलात आपको मिलती रहें बिना किसी तकलीफ के। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत किया करें, तो तभी आपको सही समझ आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल में और गूगल में सर्च कर लेना है PAK PAK JOBS BANK। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके डायरेक्टली होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली होम पेज पर पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली बेसिस के हिसाब के मुताबिक 32 के बारे में बताया जाता है, आप इनको मुकम्मल रीड कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आ जाना टूडे लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में और टॉपर ही आपको मिलेगी द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स फॉर मेल एंड फीमेल 2020 जॉब्स। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुकम्मल डिस्क्रिप्शन दी गई, आप इस डिस्क्रिप्शन को मुकम्मल रीड कर सकते हैं। और जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की फ़ीस जो है जी 600 रुपये है फीस है, वो आप चलान आपने चलान जमा करवाना है बैंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन पोस्ट की रिक्वायर हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर है, स्टाफ नर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एंड अदर्स हैं और भी हैं, आप उनको भी मुकम्मल रीड कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन जो रखी गई है मास्टर जी, MA, MCOM, MBBS, MSc और एज लिमिट रखी गई है जी 18 से 53 ईयर्स तक। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 27 जनवरी 2020। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूं कि उम्र में रैत रखी गई है और ये रैत रख के मैंने आपको बताया कि 53 ईयर्स। और आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट मैंने आपको बता दी, आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना हो तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इनके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ऐड भी देंगे, आप इस ऐड को भी मुकम्मल रीड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थी आज की तमाम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।